स्वागत है आपका एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं और बड़ी खबर भोपाल से, जहां बीजेपी चुनाव प्रबंधन टोली की अहम बैठक हुई है। 7 मई को पीएम मोदी का एमपी दौरा प्रस्तावित है, ये बात वीडी शर्मा ने कही है। धार और खरगोन में पीएम का दौरा होगा। तीसरे और चौथे चरण को लेकर मंथन हुआ है, काम की मॉनिटरिंग और फीडबैक लिया गया है। इस बैठक में मतदान बढ़ाने पर भी मंथन हुआ है। कम मतदान के लिए वीडी शर्मा ने कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। वीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस का कोर वोटर नाराज है, इसी वजह से वोटिंग कम हुई है। हमारा पन्ना प्रमुख तक एक्टिव है, छिंदवाड़ा में भी हम जीत रहे हैं, ये बात वीडी शर्मा ने कही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा, राहुल संविधान की कॉपी लहराकर देश को गुमराह कर रहे हैं, झूठ और फरेब की पार्टी कांग्रेस बनकर रह गई है। तो ये तमाम बातें वीडी शर्मा ने कही है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। आज एक अहम बैठक हुई है और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, साथ ही साथ खजुराहो से बीजेपी के प्रत्याशी वीडी शर्मा ने तमाम बातें कही। सबसे अहम बात जो उन्होंने कही है वो उन्होंने कहा कि अगर मतदान कम हुआ है तो इसकी वजह कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस का जो कोर वोटर है वो कांग्रेस से नाराज है, वोट करने नहीं गया है। इसके अलावा पीएम के दौरे हैं तीसरे और चौथे चरण को लेकर, और उन दौरों को लेकर भी बातचीत हुई है इस बैठक में। तो बड़ी खबर भोपाल से इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी की आज एक अहम बैठक हुई है। उन्होंने कहा कि अगर वोटिंग कम हुई है तो उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है और हमारा तो पन्ना प्रमुख तक एक्टिव है। तो अब ये दावे कितने सच हैं, इन दावों में कितना दम है, ये तो खैर 4 जून को जब नतीजे आएंगे तब मालूम चलेगा। लेकिन वीडी शर्मा का दावा है कि मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा भी बीजेपी जीत रही है, इसका मतलब 29 की 29 सीटें जीतने का दावा वीडी शर्मा कर रहे हैं। 7 मई को पीएम मोदी का एमपी दौरा प्रस्तावित है। धार खरगोन में पीएम का दौरा प्रस्तावित है, वीडी शर्मा ने कहा। और 7 मई को ही तीसरे चरण का चुनाव है, तो जाहिर है कि पीएम चौथे चरण के लिए आ रहे हैं। और चौथा चरण आपका मालवा अंचल के तमाम जो लोकसभा सीटें हैं वहां पर हैं, जिसमें रतलाम, इसके अलावा देवास, उज्जैन, इन सीटों पर चुनाव होना है चौथे चरण में। अमृतांशी हमारी सहयोगी इस वक्त भोपाल से इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रही हैं। अमृतांशी, तमाम बातें कही हैं वीडी शर्मा ने, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि अगर वोटिंग कम हुई है तो इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, कांग्रेस का कोर वोटर नहीं निकला और बीजेपी का तो पन्ना प्रमुख तक एक्टिव है। अगर ऐसा ही है तो फिर कम वोटिंग से अब तक बीजेपी में खलबली क्यों नजर आ रही थी? बिल्कुल, देखिए बीजेपी की आज जो ये बैठक भी हुई है चुनाव प्रबंधन की, इसकी मुख्य वजह यही है कि जो बूथ बूथ पर 370 वोट बढ़ाए जाएं और तीसरा चौथा चरण, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण इन दोनों चरणों में सीटें हैं, कई दिग्गजों की साख इसमें दांव पर लगी हुई है। शिवराज सिंह चौहान है, दिग्विजय सिंह है, ज्योतिरादित्य सिंधिया है, इसके बाद चौथे चरण में मालवा निमाड़ की कई महत्वपूर्ण सीटें हैं। ऐसे में यहाँ पर बीजेपी अगर बैठकें कर रही है तो जाहिर सी बात है बैठकें इसलिए की जा रही है कि जो मतदाता हैं उनको घर से बाहर निकाला जाए और जो वोटिंग परसेंटेज है उसको बढ़ाया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं आज जब प्रदेश अध्यक्ष से सवाल किया गया कि क्या बीजेपी जो है वो चिंतित है कम वोटिंग परसेंटेज को लेकर, तो उन्होंने साफ तौर पर नकार दिया। उन्होंने कहा कि देखिए हमारे वोटर्स तो बाहर निकले हैं, कांग्रेस के वोटर्स बाहर नहीं निकले हैं क्योंकि वो कांग्रेस से जो है वो निराश हैं। कहीं ना कहीं एक तीखा हमला जो है वो विपक्ष पर बोलते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस में एक इस बात की खुशी है कि कम वोटिंग हुई है, कांग्रेस को ये ज्ञात हो रहा है कि कम वोटिंग के कारण उनको कहीं ना कहीं फायदा हो सकता है और बीजेपी का जो नारा है वो शायद पूरा ना हो पाए, ये कांग्रेस का कहना है। लेकिन बीजेपी यहां पर पूरी तरह अपनी कोशिशों में लगी हुई है। आज जो बैठक आयोजित की गई इसमें कई चीजों को लेकर चर्चाएं हुई है, रणनीति बनाई गई है कि तीसरे और चौथे चरण में कार्यकर्ताओं से कर लोगों को वोटिंग के लिए बाहर किस तरह से निकालना है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर अगर देखा जाए तो 7 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धार जो है लोकसभा क्षेत्र का दौरा है। धार क्योंकि जो है आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र भी माना जाता है, यहाँ की जो है जो जनता है वो बहुत ही अलग मुद्दों पर वोटिंग करती है। इसके साथ ही यहाँ पर जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीट मालवा निमाड़ की हो जाती है, तो ऐसे में बीजेपी पूरी तरह से फोकस्ड है अपने वोट बढ़ाने को लेकर और जो बूथ बूथ पर 370 वोट बढ़ाने की बात उन्होंने कही है इसको लेकर भी आज बैठक में चर्चा हुई है। जी एक सवाल और है अमृतांशी, अगर कोई बीजेपी का नेता जुड़ता तो जरूर उनसे पूछते हैं कि क्या वाकई बीजेपी को लगता है कि कांग्रेस के पास अभी भी उसका कोर वोटर है?
बिल्कुल, देखिए कांग्रेस को ये मंथन की बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस के कई नेता जो है वो पार्टी छोड़ छोड़ कर बीजेपी में आ रहे हैं, ये कांग्रेस के लिए एक चिंताजनक स्थिति बन जाती है। अब आप रामनिवास रावत और कमलेश झा को देखिए, बीजेपी किसी को ऐसे ही नहीं साथ थी। बीजेपी अगर किसी व्यक्ति को पार्टी में शामिल करवा रही है या साधने की कोशिश कर रही है तो उसके पीछे एक बड़ा वोट बैंक होता है, सियासी समीकरण भी होते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी कांग्रेस के वोट बैंक को कमज़ोर करने में लगी हुई है, जो कि लगातार बीजेपी की रणनीति रही भी है, चाहे वो छिंदवाड़ा की बात की जाए या अन्य जगहों की बात की जाए, लेकिन कांग्रेस को इन चीजों से नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल अमृतांशी, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अमृतांशी मेरे सहयोगी इस वक्त भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए थे।